नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, हम सब लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में इस चीज़ को डिस्कस किया था कि किस प्रकार से भारत के अंदर मदरसे कट्टरवादिता को फैला रहे हैं और मदरसों के अंदर किस प्रकार से बच्चों को एक इंसान नहीं बल्कि एक मुसलमान बनने की शिक्षा दी जाती है। दोस्तों, जब ये भारत एक सेकुलर देश है और भारत की तमाम विपक्षी पार्टियाँ छाती पीट पीट पर के इस बात को कहती हैं कि भारत एक सेकुलर देश है, तो आखिरकार इस सेकुलर देश के अंदर सरकारी पैसों से मदरसों को कैसे चलाया जा सकता है, आखिरकार मदरसों को सरकारी सहायता क्यों प्रदान की जाती है। दोस्तों, इस देश के अंदर से मदरसे जल्द से जल्द बंद होने चाहिए और इसे लेकर के शायद अब भारत की सरकारें पूरी तरह से जागरूक हो चुकी हैं। यही कारण है कि यूपी के अंदर लगभग 8000 मदरसों को बंद किया जा रहा है, जिसमें से देवबंद, सहारनपुर और लखनऊ जैसे बड़े मदरसे शामिल है। दोस्तों, ये मदरसे कहीं ना कहीं भारत के अंदर कट्टरवादिता को फैला रहे हैं। भारत में एक तरफ हिंदू मंदिरों से टैक्स लिया जाता है, वहीं पर दूसरी तरफ मस्जिदों को पूरी तरह से खुला छोड़ दिया गया है और साथ ही साथ भारत के अंदर जो टैक्स का पैसा वसूल किया जाता है वो मदरसों को सरकारी अनुदान के तौर पर दिया जाता है और यही मदरसे देश के अंदर कट्टरवादिता को फैला रहे हैं। दोस्तों, मदरसा एक ऐसी जगह है जहां पर सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक चीजों को सिखाया जाता है। आखिरकार ये कैसा देश है जहां पर सरकारी पैसों से धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। दोस्तों, योगी सरकार यूपी के अंदर अब कई मदरसों को पूरी तरह से बैन करने जा रही है और साथ ही साथ इन्हें पूरी तरह से खत्म करने की योजना पर आगे बढ़ रही है। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमेशा से ही भारत के अंदर मुस्लिम और साथ ही साथ शरीयत लॉ की वकालत करता आया है। दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मदरसों को बंद किए जाने पर लेकर सख्त और कड़ा ऐतराज जताया है और इस बात को कहा है कि ऐसा करना गैर संवैधानिक है, मुस्लिमों को कभी भी उनकी शिक्षा से रोका नहीं जा सकता। साथ ही साथ भारत के कई बड़े मौलानाओं ने मदरसा बंद करने को लेकर के इस बात तक की चेतावनी दी है कि अगर मदरसों को बंद किया जाता है तो भारत का मुसलमान चुपचाप नहीं बैठेगा और वो सड़कों पर आ जाएगा। दोस्तों, हद तो जब हो जाती है कि जब कुछ मौलाना इस बात की धमकी देते हैं कि अगर सरकार कोई भी ऐसा फैसला लेती है जो कि गैर इस्लामिक होगा तो शायद इस देश का बंटवारा भी हो जाए। दोस्तों, इस देश के अंदर कहीं ना कहीं मदरसे एक ऐसी संस्था है जो कि इस देश के अंदर कट्टरवादिता को आगे बढ़ा रही है और साथ ही साथ इस देश के अंदर कई तरह की समस्याओं को उत्पन्न कर रही है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या भारत के अंदर मदरसे पूरी तरह से बैन होने चाहिए और साथ ही साथ मदरसों को मिलने वाली सारी सरकारी सहायता पूरी तरह से तत्काल प्रभाव से खत्म कर देनी चाहिए? आप लोगों की जो भी राय हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।